ईश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर बिहार की सियासत लगातार तेज हो रही है। एक और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से कहीं समर्थन तो कहीं विरोध जताया जा रहा है, तो दूसरी ओर अब बजरंग दल भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जदयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। हमारे साथ हैं अभी बजरंग दल के संयोजक बिहार झारखंड के। किस रूप में देखते हैं बयानबाजी का दौर चल रहा है, बाबा का विरोध किया जा रहा है? देखिए, आने वाला 2024 का चुनाव है और सबको डर सता रहा है कि हम सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रभाव अपने देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। तीन लोगों को लगता है कि इस प्रकार का बयान दे करके हम एक समुदाय का वोट ले लेंगे और फिर से हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे, तो इनके मंसूबे पर पानी फिरने वाला है। रही बात बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या RSS पर बैन करने की बात, तो सरकार के अंदर है ताकत तो बैन करके दिखाए। बजरंग दल कोई राजनीतिक दल नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे और कुछ भी कर दोगे तो वो संगठन चुप लगा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हिंदू हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अगर बजरंग दल पर बैन करने की बात कही है तो पूरा हिंदू समाज रोड पर आएगा। ये कल्पना करना चाहिए तेज प्रताप को, तेजस्वी को या उनके सरकार में बैठे मंत्री, सांसद, विधायक को। अभी नालंदा के सांसद ने भी बयान दिया है कि हम बजरंग दल पर बैन कर देंगे। अरे, अपनी नाकामी छुपा रहे हो। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, लाखों लोग निकलते हैं, आपके CCTV कैमरे, आपका प्रशासन, आपके लोग पूरे CCTV कैमरे पर आ रहा है कि छतों पर पत्थर रखे गए थे, छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, उसमें से कितने लोगों को अरेस्ट किया, क्यों नहीं पहले उन पत्थरों को हटाया, ऐसे लोगों को पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया? और हमारे बजरंग दल के विभाग संयोजक को आप कुर्ती जब्ती करते हो, लगता है आतंकवादी था क्या? आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर भी कि आप लोग उपद्रव फैलाते हैं। आरोप लगाया जा रहा है बाबा बागेश्वर के ऊपर भी कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसलिए विरोध जताया जा रहा है। अब देश के अंदर एक हैदराबाद में बैठा एक मौलाना है, सांसद भी है, उसकी बातें बोलने के लिए उसके कटाक्ष में तो कोई सांसद देश का किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति तो बोलने नहीं आता है। अगर बागेश्वर सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सच सच सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो क्या यहाँ भारत के अंदर मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे क्या? आप कल्पना करें, भारत में बहुत से जाति के लोग रहते हैं, सर्वधर्म यहाँ पे है, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे? अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, भारत के अंदर बहुसंख्यक कौन समाज है? हिंदू समाज है कि नहीं है? अगर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सबसे अधिक है तो वो मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया के अंदर सबसे अधिक मुसलमान है तो मुस्लिम राष्ट्र है। अमेरिका के अंदर ईसाई सबसे अधिक है तो ईसाई देश है। तो भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? दूसरे देश से तुलना क्यों करो? मेरा हिंदुस्तान सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या? आज आप एक चीज़ बताइए, किसी मुसलमान मौलवी के द्वारा जब तालीमा पढ़ा जाता है, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, जब वो देश और धर्म की गतिविधि के विरोध में बोलता है, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मीडिया के सामने आकर के उनका जवाब देते। हम तो किसी को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोकते नहीं, हमारी राम जी की शोभा यात्रा निकलती है, रास्ते से हम निकल कर जाते हैं तो उनके मस्जिद से क्यों ऐतराज है भाई? उनका ताजिया निकलता है, हमारे मंदिर के रास्ते से जाता है, तो हमारे भगवान को, हमारे हनुमान जी को, हमारे दुर्गा माता को कोई कष्ट नहीं होता, पूरे हिंदू समाज को कष्ट नहीं होता है, सब लोग ताजिए को, हिंदू समाज भी ताजिए के साथ चलता है, वहाँ कहीं विरोध नहीं। सवाल अंतिम बता दीजिए कि RJD विरोध कर रही है, कई पार्टियाँ विरोध कर रही है, जदयू के सांसद ने कह दिया कि आपके ऊपर बैन लगना चाहिए, बजरंग दल के ऊपर बैन होना चाहिए, क्या उन लोग को जवाब देंगे? अब बैन करके देखें, पूरा हिंदू समाज रोड पर आएगा, इस सरकार चली जाएगी। RJD विरोध कर रही बाबा का, पूरी तरह बाबा का विरोध कर रही है, तो हिंदू समाज 17-18 लाख लोग आने वाले हैं, कितने लोगों को अरेस्ट करोगे, कितने लोगों को बंद करोगे? अरे, आपके अंदर था कि गांधी मैदान सरकार की संपत्ति है, नहीं दिया, लेकिन जहां जिसकी अपनी प्रॉपर्टी उसने दे दिया तो उसको कैसे रोक दोगे? एक दिन में 4-5 लाख लोग बागेश्वर सरकार के प्रवचन सुनने के, उनकी बातों को सुनने के लिए आएंगे, पूरी 20 लाख की संख्या आने वाली है 5 दिन में, आप कितने लोगों को रोकोगे? क्या नाम हुआ? जनमेजय कुमार, बजरंग दल क्षेत्र संयोजक, बिहार झारखंड।